चुने मैंने क्या कदम। अब किबला शाह साहब बैठे हुए हैं स्पेशल नौजवानों के लिए, मौला मुर्तजा, मौला मुश्किल कुशा, शेर खुदा, इन ये कदर पुत्र, इसको कहते हैं कदर। लिखा जब मौला मुश्किल कुशा रजी अल्लाह ताला ने दुनिया में तशरीफ लाए ना, आपकी विलादत हुई। और मैं जाते जाते एक और बात, नौजवान हमें फख्र है इस बात पे कि हम अली वाले हैं, हमें फख्र है इस बात पे कि हम, हमें फख्र है कि हजरत अली पाक का नाम सुन के हमारे दिल में ठंड पड़ती है। ये शुक्र है इस जात का कि अल्लाह ने सानू उन्हें तो नहीं घर छड़िया जेडे हजरत अली का नाम सुन के उन्होंने मुँह डिंगे डिंगे हो जाते हैं, हैं जी। हमें फख्र है अली वाला होने। लेकिन पुत्र जरा थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि असली हैं कि असी नकली हैं, ये जरा थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि जो हजरत अली पाक से हमारी मोहब्बत है वो ठीक है कि नहीं। उसके लिए मैं बच्चों से कहूँगा, पुत्र तेरे मेरे हजरत अली पाक मौला मुश्किल कुशा, जिनके लिए नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं मन कुंतु मौला हु फहादा अली मौला, जिनके लिए नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे अली का जिक्र इबादत, जिनके लिए नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे अली को देखना इबादत है। तुझे पता है ना कि हजरत अली पाक की विलादत किधर हुई? मस्जिद में। मस्जिद में खाना काबा मस्जिद ही है, मस्जिद में। और मस्जिद भी कौन सी? वो वाली मस्जिद जिसमें एक दो रकतें पढ़ो तो 100,000 पढ़ने का सवाब मिलता है। इतनी शानों वाली मस्जिद में तेरे और मेरे हजरत अली पाक दुनिया में तशरीफ लाए। और हजरत अली पाक की शहादत भी किधर हुई? बोलो तो सही, किधर हुई जी? हाँ, अली आ मस्जिद में रहे, अली पाक जा मस्जिद। ये तो फिर पता लगा जड़ा अली वाला होएगा वो मस्जिद आएगा भी तो जाएगा भी। बात समझ आ गई ना आपको मेरे पुत्र? जो अली वाला होगा वो मस्जिद वाला भी, जो अली वाला होगा उसको मस्जिद से प्यार भी, और जो अली वाला नहीं होगा वो मस्जिद वाला भी। हाँ, इसलिए पुत्र जरा अपना अपना अली वाला होना चेक करना है आप सबने, क्योंकि हजरत अली को कितना प्यार मस्जिद से कि आ भी और शहादत भी। चेक करो मेरे बच्चियों अपने आप को, चेक करो अपने आप, वो आ भी मस्जिद में रहे, शहादत भी मस्जिद में हो रही है। तो ना तू मस्जिद में आ रहा है तो ना मैं मस्जिद में आ रहा हूँ, हम कौन कैसे अली वाले बन गए? चेक करो उत्तर अपने आप को मेरे बच्चियों। हजरत अली पाक के लिए लिखा जी विलादत हुई, नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्का पाक में मौजूद नहीं थे। और जब तशरीफ लाए हजरत अली की पैदाइश की खुशखबरी आपकी बारगाह में पेश की, नबी पाक अलैहिस्सलाम गए अपनी चची जान सैयदा फातिमा बिनत असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुबारक देने, आपने मुबारक दी, जो भी गुफ्तगु हुई आखिर पे वर्स करती हैं कि खुशी है बच्चे के आने की लेकिन एक दुख भी है। फरमाया वो क्या? बच्चा नवीना है, क्योंकि लिखा हजरत अली पाक आंखें नहीं खोल रहे थे। आपने फरमाया मेरी गोद में दो, लिखे जैसे आपने अपनी गोद में लिया हजरत मौला मुश्किल कुशा ने आंखें खोल दी। वक्त गुजर गया, एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा अली आंखें नहीं खोल रहे थे? अली आंखें नहीं खोल रहे, अर्ज की महबूब इसलिए नहीं खोल रहा था, चाहता था जब आंखें खुलें तो सामने सिर्फ मेरा महबूब हो। अच्छा यहाँ बात नहीं, अब मैं कदर की बात करने लगा। सुनो कदर किसको कहते हैं? फरमाया इसलिए अर्ज की इसलिए नहीं खोल रहा था, चाहता था जब आंखें खोलूं सबसे पहले अपना महबूब देखूं। और फिर आगे सुनो, फिर फरमाते हैं फिर देखने के बाद क्या किया? फरमाते हैं फिर जिस दिन से अली ने अपनी इन आंखों से अपने महबूब को देख लिया, फरमाया फिर आंखों का भी इतना लिहाज किया, आंखों की भी इतनी कदर की, अली इन आंखों से महबूब देखा है, इन आंखों से अपने यार को देखा है, इन आंखों से अपने आका और मौला को देखा है, आज के बाद इन आंखों से फिर कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं देखनी है। इसको कहते हैं कदर, इसको कहते हैं कि अभी इन आंखों से महबूब देख लिया, आंखों की भी इतनी कदर की। हजरत अली खुद फरमाते हैं, फरमाया आज तक मैंने कभी फिर उन आंखों से अपनी शर्म का भी नहीं देखी है। कदर पुत्रा तू जरा वेख तू की कदर कीती, सुलेमान मिसबाही तू जरा वेख तू की कदर कीती है, टोपी से भी गए। हजरत मौला मुर्तजा बैठे हैं,
और आपकी गोदे मुबारक में अपना सरे अनवर रखे हो। कौन आराम कर रहे हैं? अल्लाह के महबूब। वो इससे बड़ी को नेमत है। उस वक्त अली कुरान पाक के लिहाज से मैं युतिर रसूला फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की अतात की उसने अल्लाह की अतात। उस वक्त हजरत अली को अल्लाह माफ फरमाए, कुछ तरह का मामला नहीं था, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अतात में थे। हजरत अल्लाह के महबूब उनकी गोद में अपना सर अनवर रखे आराम फरमा रहे, लेकिन क्या हजरत अली दी असर रहंदी है। सूरज डूब रहा है, आखिर उठा सकते नहीं अल्लाह के रसूल। कितना प्यार तेरे और मेरे लिए पाक को नमाज। आखिर क्या हुआ? जब कोई जोर नहीं ना चला तो क्या हुआ? आंखों से आंसू बह निकले और आंसू गिरते कहा है सारे मुस्तफा अली दी नमाज ऐस हालत भी अगर रवे कि अल्लाह के रसूल उन्हां दी मुबारक चोली च अपना सरे मुबारक रख के आराम करन, तेरे मेरे अली पाक और फिर भी रो पैन और चलिया तेरी गली के खलो के नमाज जाए और तेन रोना ना आए। तू बार पैलियां च बह रहा तेरी नमाज जाए तेन रोना ना आए। और तू किथू अली वाला है? ओए अली की गोद में अल्लाह के रसूल लेटे हैं, नमाज रह रही है, तेरा मेरा अली रो रहा है, तेरे और मेरे अली रो रहे हैं। तू किस तरह का अली वाला है? अजान हुई तू गली में बेशर्मा खड़ा है, नमाज पढ़ने नहीं आया। तू किस मुंह से कहता है कि मैं अली वाला हूं? तू अजान सुन के पहली में खड़ा रहा, तेरे और मेरे अली पाक की गोद में अल्लाह के रसूल है। कुरान कह रहा है मैं युतिर रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने मेरे रसूल की अतात की वो ऐसे है मेरी की। हजरत अली अल्लाह की अतात में थे, अल्लाह के रसूल की अतात में थे, लेकिन नमाज नहीं पढ़ी। तेरे मेरे अली पाक को इतना प्यार नमाज से, गोद में अल्लाह के रसूल है, नमाज नहीं पढ़ी अली फिर भी रो पे। चेक कर अपना अली वाला होना। तू बार गली में खड़ा है, अंदर नमाज हो रही है, तेरे कानों पे जू नहीं रिंग रही। तू किस तरह कैसा तू अली पाक वाला है? तू किस तरह का अली पाक वाला है? मैं इसी पे बस कर दूंगा हजरत। दीन नबी दा वांग यतीमा।